Let us look at the concept of gaze, G-A-Z-E. We gaze at somebody, at something, निहारना. तो फिल्म स्टडीज़ में एंड आजकल ये सारी जो विजुअल कल्चर स्टडीज़ है या टेलीविजन स्टडीज़ है, मीडिया स्टडीज़ हैं, इन सब में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है. हम किसी को कैसे देखते हैं और हम उसे जिस भी तरीके से देखते हैं उससे उसे कैसे महसूस होता है, ये सारा गेज शब्द में आता है. एंड गेज को लॉकॉन, साइकोएनालिसिस वाले लॉकॉन ने उठाया था, उसकी चर्चा की थी और उन्होंने थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस गेज. ऐसा लगता है जैसे हम किसी को देख रहे हैं पर हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, चाहे वो आर्ट की कोई चीज़ हो, कोई पेंटिंग हो, कोई औरत हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो, हमारा देखने का जो नज़रिया है, द वे वी परसीव दैट थिंग हैज अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड टू इट. देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल information in the way we gaze and the way that other person experiences that gaze. तो इस gaze के ऊपर क्या कहा है लॉकॉन ने, तो we are not touching लॉकॉन very much in this. In critical theory and psychoanalysis, the gaze, what is the position of the gaze? It is the uncanny feeling, ek ajeeb si feeling of being gazed at by the object of our look. Object of our look ka matlab hum jis cheez ko dekh rahe hain. Aap ek painting dekh rahe ho, aap us painting ko dekh rahe ho, us painting mein kuch hai, एक आदमी है, एक औरत है, कुछ भी है, समथिंग इज देयर, समबडी इज देयर, यू आर लुकिंग एट द पेंटिंग बट दैट पेंटिंग इज ऑल्सो लुकिंग एट यू एंड देयर इज अ वे इन विच, देयर इज अ वे इन विच दैट थिंग विच यू आर लुकिंग एट इज लुकिंग बैक एट यू. नाउ यू विल से दैट अ पेंटिंग इज अ थिंग, वो क्या देखेगा वापस, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट द पेंटिंग इज अ क्रिएटेड थिंग. समबडी हैज क्रिएटेड समथिंग, समबडी हैज क्रिएटेड समथिंग एंड इन क्रिएटिंग दैट थिंग ही हैज हैड अ माइंडसेट एंड उसने एक पर्टिक्यूलर नजरिए से उस वस्तु को बनाया है. आप उस वस्तु को देख रहे हो और वो वस्तु भी आपको एक तरीके से देख रहा है. ऑफ कोर्स इट विल मीन, जैसे अब कोई फिल्म है या कोई नॉवल है उसमें विमेन को पोर्ट्रे किया है तो हम उस टेक्स्ट में वुमन को देख रहे हैं, पर नॉवेलिस्ट ने भी एक नजरिया रखा है, एक परसेप्शन रखा है, एक माइंडसेट रखा है महिलाओं के बारे में, तब जाके उसने उस नॉवेल में महिलाओं को एक पर्टिकुलर तरीके से जाने अनजाने में पोर्ट्रे किया है. सो देयर इज अ वे इन विच द नॉवेलिस्ट गेजेस एट वुमेन एंड सो दैट वुमन of his gaze has presented herself in that book. Now she's gazing at you in a particular way and you are gazing at her in a particular way. She appears to be of a particular kind because her creator has created her to be of a particular kind according to his mindset. और आप उसे देख रहे हो. Suppose आप एक महिला हो
और आप महिलाओं के बारे में एक ऐसी किताब पढ़ते हो जिसमें बहुत भद्दी बातें लिखी हैं और आप उस किताब को पढ़ते हो, तो वो भले ही एक पर्टिकुलर महिला जिसका नाम ये है शीला या समथिंग है उसकी बात कर रहा है, बट वो जिस भद्देपन का डिस्क्रिप्शन कर रहा है, यू बीइंग अ वुमन, आपको ऑटोमेटिकली वो जो डिस्क्रिप्शन है कहीं आपको अफेक्ट करेगी। तो ये सारा गेज में आ गया। हम जिस चीज को देख रहे हैं, मानो वो चीज भी हमें किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। दैट थिंग विच यू आर सीइंग हैज अ पावर ओवर यू, यू आर एबल टू फील समथिंग। तो इट इज द अनकैनी फीलिंग, अजीब सी फीलिंग ऑफ बीइंग गेज्ड एट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ आर लुक। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यक्ति भी हमें देख रहा है, हम उसके लुक को इंटरप्रेट करते हैं। हम तो उसको साधारण देखते हैं, हम उसके लुक को इंटरप्रेट करते हैं कि वो मुझे ऐसे देख रहा है या ऐसे देख रही है, तो वो मेरे लिए ऐसा सोचती है, सोचता है। तो ये सारी एक साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गेज में है, विच क्रिएट्स एंग्जाइटी। हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम ही एंग्शियस हो रहे हैं। लॉरा मलवे, रिमेंबर द नेम, कॉइंड द टर्म मेल गेज। मेल गेज, पुरुष औरत को कैसे देखता है। इन फेमिनिस्ट थ्योरी इट इज द एक्ट ऑफ डिपिक्टिंग विमेन, मेल राइटर्स विमेन को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे परसीव करते हैं, उनके बारे में क्या इम्प्रेशन बनाते हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट में। लॉरा मलवे कॉइन्ड द टर्म मेल गेज। इन फेमिनिस्ट थ्योरी इट इज द एक्ट ऑफ डिपिक्टिंग विमेन एंड द वर्ल्ड इन द विजुअल आर्ट्स एंड इन लिटरेचर, चाहे पेंटिंग में चाहे किसी किताब में, फ्रॉम अ मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, पुरुष के नजरिए से, दैट प्रेजेंट्स एंड रिप्रेजेंट्स विमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स फॉर द प्लेजर ऑफ द मेल व्यूअर। मतलब वुमन को देखने का नजरिया क्या है, जस्ट एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी है, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है। तो उसको जो टेक्स्ट्स में या पेंटिंग्स में इस तरीके से दिखाया जाता है, वो बनाने वाले के नजरिए को दिखाता है, और आप जो उसे देखते हो, जिस चीज को देख रहे हो, यू लुकिंग एट दैट वुमन इन दैट लिटरेरी टेक्स्ट, और यू लुकिंग एट अ वुमन इन अ पेंटिंग, or at anything else, it need not be a woman, anything, it has the power to influence you psychologically. Female gaze, jawab tha male gaze ka, jab male gaze aaya, piche piche female gaze aana hi tha, kisne coined kiya is not the point at all. Male gaze, you have to know Lora Mulvey. Female gaze is a feminist film theoretical term to refer to the perspective of a female filmmaker. अगर फिल्म बनाने वाली, लिटरेचर लिखने वाली जो भी फीमेल है, which would be different from the male view of the subject. उस औरत को आदमी कैसे देखता है मेल गेज, उसी औरत को औरत कैसे देखती है फीमेल गेज। The gaze is a term that describes how viewers engage with visual media. ये art और ये सारी चीज़ें, films जिनको हम आँखों से देख के
और उसका एंजॉयमेंट लेते हैं, तो हम एज व्यूअर्स उन ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट या वो जो फिल्म्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, हम उनको कैसे देखते हैं? ओरिजिनेटिंग इन फिल्म थियोरी एंड क्रिटिसिज्म इन द 1970s, द गेज refers, you should know it for a definition, which of these is not true of the gaze. If you understand the concept, you will be able to answer the question. The gaze, how we look at visual representations. Visual representations, jin cheezon ko pictures ke madhyam se, jinko hum aankhon se dekh sakte hain, जिनको भी हम आंखों से देख सकते हैं, वो वाली चीजें, दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट कैन बी विजुअली एक्सपीरियंस्ड. दीज इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है. टेलीविजन प्रोग्राम्स, टीवी में हम चीजें देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, एंड सिनेमा ऑफकोर्स, हम पिक्चर्स देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उनमें चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया है. तो टेलीविजन हुआ, पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स हुई, फिल्म्स हुई, ये सब विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं.